अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मलीदे के लड्डू बनाने की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा 1 कप भर के, 1/2 कप मैंने आधा कप लिया है मैदा और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सूजी यानी रवा, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़े काजू, बादाम और पिस्ते, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ मैं नारियल का जो बुरादा होता है बारीक सा, मैं वो यूज़ करूँगी लड्डू के अंदर। और हम और यूज़ करेंगे इसके अंदर घी, देसी घी अगर आपके पास है तो ज़रूर वो यूज़ कीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे मलीदे का लड्डू। देखिए मैं पहले तीनों चीज़ों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब घी। देखिए घी को भी मैं अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैं इसे सानने के लिए, मिक्स करने के लिए मैं दूध का नहीं, मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका डो बना लीजिए अच्छे से, ज़्यादा गीला भी नहीं कीजिएगा, ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखिएगा। देखिए मेरा डो हो गया है रेडी। ये देखिए मैं भी इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, पैन में मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम घी डाल रही हूँ। मैं इसमें अब हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने जा रही हूँ। देखिए मैं हल्का इसे रोस्ट कर लूंगी ताकि हमारे लड्डू अगर हम रखे भी थोड़े दिनों तक तो खराब ना हो। इसे हमें हल्का ही पकाना है, एकदम जले ना, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ देखिए मेरा डो रेडी है, अब मैंने इसे बेलने की तैयारी कर ली है। मैं इसे गोल बेल रही हूँ इस तरीके से। अब मैं इसके बीच में लगाऊंगी घी। घी को मैं थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, फैला रही हूँ चम्मच से। आप चाहे तो इसके ऊपर इस स्टेज पे सूखा आटा भी वो कर सकते हैं, लेकिन हमें तोड़ के ही डालना है मिक्सी में, इसके लिए मैं नहीं लगा रही हूँ। देखिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसे फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जाइए। देखिए मैंने एक साइड में कट मार लिया है, मैं इसे रोल कर रही हूँ इस तरीके से। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह तो गोल 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 करते हुए हमें रोटी को मोड़ना है, जैसे हम लच्छा पराठा पकाते हैं उस तरीके से। मैं इसे लच्छे पराठे की तरह ही बनाऊंगी और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये बनते हैं। लेकिन रवा है इसके अंदर तो हम जैसे खाने के लिए इसे यूज नहीं कर सकते, ये थोड़े ऐसे हार्ड रहेंगे। देखिए अब मैं इसे फिर से बेल रही हूँ, मैं थोड़ा मोटा ही बेलूंगी ताकि हमारा जो ये जो परत है लच्छे की वो बराबर से दिखाई दे। देखिए ये साइड से इसके लिए फट रहा है क्योंकि मैंने इसमें सूजी भी ऐड की है। मैंने पैन में थोड़ी घी डाली थी, अब मैं इसे पका रही हूँ अच्छे से। थोड़ा बबल्स आने लगे तो हम इसे पलटेंगे। देखिए मैंने उतने आटे में मैंने 2 रोटी का डब बनाई थी, मतलब 2 रोटियां मेरी बनी थी उसमें। अब देखिए मैं साइड से इसमें घी लगा रही हूँ, इसमें घी का यूज थोड़ा ज्यादा होता है, आप चाहे तो डालडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत खुशबूदार और बहुत अच्छा बनता है। अब मैं इसे टर्न कर दे रही हूँ। देखिए एक साइड से पक गया है, मैं पीछे इसे इस तरफ से मैं और पकाऊंगी। देखिए किस तरीके से मेरे ये परत निकल रही है, देखिए लच्छे की अच्छे से ये पक गया। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और मैं इसे मिक्सी में तोड़ के ऐड करूंगी। देखिए मैंने मिक्सी में इसे डाल लिया है, ये देखिए टुकड़े टुकड़े कितने तरीके अच्छे से हो रहे हैं। और ये मैं जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करके रखा ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं इसे मिक्सी में पीस के मिलती हूँ आपसे। देखिए मैंने ना ज़्यादा बारीक किया है ना मैंने ज़्यादा मोटा रखा है। देखिए इसको, यह मैंने 1/2 कप शक्कर ली थी, उसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था इसका, मैं वो ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सफ़ेद तिल जो होता है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आपके ऊपर है, बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन लड्डू में ये। और मैं इसमें ऐड करूँगी नारियल का भूसा। ये डालने के बाद फिर सबको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करना। नारियल का बुरादा भी मैंने ऐड कर लिया इसमें, इसको
अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। इसके बाद मैंने ना 2 टेबलस्पून घी को मैंने पैन के अंदर गरम किया है, देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये शुगर पाउडर है, मतलब शक्कर का पाउडर है, ये अच्छे से इसमें गल जाएगा। देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ इस तरीके से, ये थोड़े हाथ में ज़्यादा चिपकते हैं। देखिए दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने एक छोटा लड्डू बना के देखा, आप भी बना के देखिएगा, अगर बन रहा है तो ठीक है, ना थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए मेरे लड्डू कितने खूबसूरत बन गए, देखिए छोटा सा मैंने ट्राई किया था पहले। इस तरीके से मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं, देखिए रेडी है मेरे मलीदे के लड्डू। ये रहा मलीदा, ये रहे उसके लड्डू, देखिए कितने खूबसूरत गोल गोल बने हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और एकदम देसी घी के तो और अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।